रियन मिश्रा आज फिर हाजिर हैं विद्या क्वेश्चन बैंक्स के मैथ की तैयारी कैसे करें मैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ाया जा रहा था जिसमें बहुत फार्मूला भी लिखवा दिया गया था, हम उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न में छठवें क्वेश्चन तक बता दिया गया था और सातवां क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है यदि समान त्रिज्या के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ दिया जाए तो नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, ये आधा है और ये आधा है, दोनों को जोड़ दिया गया तो ये क्या बन गया, गोला बन गया, बन गया। तो गोले का वक्र पृष्ठ होता ही है, नहीं होता है, पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, आठवां क्वेश्चन है लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आधार क्या है, लंबवृत्तीय बेलन, बेलन है तो बेलन का आधार सर्किल ही है ना, बेलन का आधार वृत्त है तो ये जो घूम रहा है वो वृत्त है, अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये दिया है 9 पाई। अब पूछ रहा है कि आधार का व्यास क्या होगा, आप त्रिज्या निकाल लीजिए सब निकल जाएगा, व्यास निकल जाएगा आर बराबर कर्णी में 9। हाँ, नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु तथा बेलन, ये शंकु है और बेलन है, ये बेलन बना हुआ है, इसका आधार और ऊंचाई, ये ऊंचाई है ये समान है, ये यच है शंकु की ऊंचाई और ये आधार की त्रिज्या, तो आयतन क्या हो जाएगा शंकु का 1/3 πr² h और बाई पाई आर स्क्वायर एच बेलन का, ये कट गया 1/3 1:3 अब बाई वन, 1/3 ही आएगा, किसी में भी 1 से यदि भाग दिया जाता है तो वही नंबर आता है, समझा गया। दसवां क्वेश्चन देखा है, कह रहा है 7 सेंटीमीटर कोर वाले लकड़ी के घन से संबंधित अधिकतम आयतन का लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है, बेलन का आयतन होगा घन से, तो घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ठीक है, तो घन का आयतन निकाल लिया जाए, बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन हो जाएगा, तो 7 मीटर, तो पहले घन का आयतन निकालिए, आयतन कभी नहीं बदलता, चाहे उसको बेलन के रूप में बना दीजिए चाहे शंकु के रूप में बना दीजिए, 1 लीटर है तो कहीं भी रखिए 1 लीटर ही रहेगा, चाहे थरिया में रख दीजिए चाहे गैलन में रख दीजिए कहीं भी, तो घन का आयतन 7 × 49 = 343। नहीं भाई, ये हो गया 343। अब ये 343 है किसका आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का क्या कह रहा है, कोर वाले लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है, बेलन का आयतन, तो देखिए अधिकतम आयतन वाले बेलन के आधार का व्यास, ये घन है ना, अधिकतम कोर से इसको घुमाया जा रहा है, ठीक है, इसी को घुमाया जाएगा, तो मान लीजिए ये अधिकतम क्या हो जाएगा, उसका व्यास हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, ठीक है, और ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, 7 ही होगी, इसलिए कि घन है ये भी तो घन है, तो इसमें हम ऐसे गोला बनाएंगे और इसमें भी नीचे ऐसे गोला बनेगा तो ऊंचाई भी तो यही रहेगा ना, चलिए घन के आयतन से नहीं मतलब है, छोड़ दीजिए इसको, इसका निकालिए बेलन का आयतन बराबर पाई माने 22/7 आर स्क्वायर, ये व्यास है 7, त्रिज्या हो जाएगी 7/2 और यच यानी कि 7, 7 से 7 कट गया
दो अगर हम 22 ग्यारह सत्तर 77 गुणे 7 बटे 2 ये हो जाएगा 3.5, गुणा करिए आपका आंसर आ जाएगा सामने। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट में आएगा, निकाल लेंगे। 3 सेंटीमीटर कोर के एक घन में 1.4 सेंटीमीटर का व्यास का एक छेद किया जाता है, छेद का आयतन होगा, छेद का आयतन। तो ध्यान दीजिए, छेद बेलनाकार होगा। 11वां क्वेश्चन है, घन है ये। अब इसी में 1.4 सेंटीमीटर व्यास का छेद बनाया था, बेलन 2R बराबर 1.4 cm, तो R बराबर 1.4/2 बराबर 0.7 cm, यह हो जाएगा। अच्छा, ऊंचाई बराबर है घन की कोर, यही ना ऊंचाई है, यानी कि 3 cm। तो अब छेद का आयतन यहां लिखिए, छेद का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, और ये बाई नहीं हो गया, बस एच मल्टीप्लाई 3, ये दोनों कट गया, दो जीरो बढ़ गया, 7 से कट जाएगा, 7 × 10 = 70, और 2 × 22 = 50, मैंने 11 × 77 मल्टीप्लाई 3/50, आप इसको सॉल्व करेंगे ये निकल जाएगा। ठीक है, 11वां 12वां क्वेश्चन देखा जाए, 12वां क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से बड़ा गोला काट कर निकाल दिया जाता है, इस गोले का आयतन क्या होगा। मान लीजिए यह घन है, सपोज दैट कि यह घन है, अब इसमें से गोला काट कर निकाल दिया जा रहा हो, तो जो ये होगा घन का जो कोर होगा या साइड होगा वो गोले का व्यास होगा, क्या होगा लिखिए, गोले का व्यास बराबर घन की भुजा बराबर क्या दिया है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 7/2। अब गोले का आयतन क्या हो जाएगा, फोर बाई थ्री पाई आर स्क्वायर आर क्यूब सॉल्व कर दीजिए, निकल जाएगा 2 × 4 = 22, 11 × 77 = 3, ये भी दशमलव में आ जाएगा, निकाल देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 1/2 cm व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अर्धगोले का, तो देखिए व्यास वाले, जैसे व्यास क्या दिया है 1/2, तो आर क्या हो जाएगा 1/2 × 2 = 1/2 × 1/2, ये 1/2 हो जाएगा 1/4 cm दिया हुआ है। ओके, अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है, वक्र पृष्ठ नहीं, वक्र पृष्ठ कहे तो 2πr² निकाल देंगे, और संपूर्ण पृष्ठ कह रहा है तो 3। अब देखिए ये एक पृष्ठ है, ये है, और ये एक पृष्ठ है, ये भी सर्किले है,
तो ये कुल कितना हो जाएगा, 2πr² और 1πr², 3πr² पाई आर स्क्वायर, दो दूना चार, दो दूना दो, अगर हम 22 दूना चार, तीन दूना छः, छः बटे सात दूना चौदह, चौदह चौको नहीं है तो दो ग्यारह है ना, दो अगर हम ग्यारह तियाई तैंतीस, ग्यारह तियाई तैंतीस, सात दूना चौदह चौको छप्पन। तो ये आपका या तो आंसर हो जाएगा और नहीं तो 33 में 56 से भाग दे दीजिए, एक बार पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अति लघुत्तरीय समाप्त हो गया। अब कल शुरुआत करेंगे हम लोग, ये समाप्त हो गया बहुविकल्पीय प्रश्न, कल शुरू करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। हम आशा करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। धन्यवाद।